भाई पूरी फाइनिंगा के साथ ना। ये मोहम्मद असलम साहब हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का प्रोग्राम तो शुरू नहीं हुआ, पाकिस्तान डे का, तो आप कुछ कहना चाहेंगे एक दो बातें? ये हम कोपेनहेगन एम्बेसी में हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जिसका इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, करीब जो है प्रोग्राम शुरू होगा तो फिर जो है सुनेंगे क्या पैगाम आ रहा है पाकिस्तान से जो है। बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ जमा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए आज़ादी का दिन है, खुशी का दिन है सबके लिए, तो अल्लाह ताला ये आज़ादी जो है हम सब को जो है मुबारक करे और हमेशा इसको इसमें जो है इजाफा होता रहे अल्लाह की तरफ से। और बहुत ज़्यादा जितनी ज़्यादा हम अल्लाह के हुक्मों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के ऊपर चलेंगे उतनी ज़्यादा हमें कामयाबियाँ दुनिया आखिरत में मिलती चले जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम साहब, बाद में बात करेंगे आपसे प्रोग्राम में शुरू होंगे। यहाँ पे ये एक और शख्सियत भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, ये पाकिस्तान डे में शिरकत कर रहे हैं। आप देख दो एक दो लफ्ज़ कहेंगे, प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे? जी साहब, हमें हजरत यही कहना है कि ये पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान है, हमें मिली और कौमी जज्बे से इस दिन को मनाना चाहिए। ना सिर्फ ये मनाना चाहिए बल्कि असल बात ये है कि आप इस पर कितना अमल करते हैं, कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, कितनी खुश असलूबी से काम करते हैं, जितनी तवज्जो से काम करते हैं, जितने अमल से काम करते हैं, तो बुनियादी तकाजा ये है पाकिस्तान के क़याम का कि हम दुनिया के अवाम में एक बाइज्जत कौम की हैसियत से अपना मुकाम पैदा करें, मेहनत करें, तवज्जो करें और जस्तजू करें, इलम के लिए तवज्जो करें, जो बुनियादी चीज़ें हैं। और जब तक हम अब ये चीज़ें जो हैं इन पर अमल पैरा नहीं होंगे उस वक्त तक हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें इसमें बहुत तगोदो करनी है, आगे बढ़ना है, जस्तजू करनी है, जदोजहद करनी है और अपने तमाम अहबाब को जो हमारे साथ शामिल हैं इस तहरीक में उनको चाहिए कि हम सब मिलकर यकजहती से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाद में भी आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हुमा खान साहब हैं, बैठी हुई हैं यहाँ पर, ये इनके प्रोग्राम है रेडियो पाकिस्तान, रेडियो वतन में भी होते हैं और इसके बाद ये होस्ट भी हैं और डॉक्टर भी हैं ये, तो इस आज प्रोग्राम में शिरकत कर एक दो लफ्ज़ कहेंगे क्योंकि प्रोग्राम अब शुरू नहीं हुआ, थोड़ी देर में शुरू होगा। जी सबको आज़ादी मुबारक और लेट्स वर्क फॉर पाकिस्तान और हम सब मिल के वो पाकिस्तान को वहाँ लेके चले जहाँ पर होना चाहिए पाकिस्तान। इनका इंटरव्यू बाद में किया जाएगा तो जब ये टाइम देंगी, तो आज ये प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं और इसके बावजूद कि बारिश है और मौसम अच्छा नहीं है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, ख्वातीन भी खुशी की बात है कि यहाँ पे आई हुई हैं और आप भी आए तशरीफ़ लाई हैं। उमा खान साहब डॉक्टर भी हैं और यहाँ एक्टिविटी में जो सोशल एक्टिविटी है उसमें भी हिस्सा लेती हैं। प्रोग्राम कुछ देर बाद शुरू होगा, तो जब शुरू होगा तो जाहिर बात है मैं फिर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करूँगा, तब तक एक दो बातें और कहना चाहेंगे आप? जी जी ज़रूर, आप पूछिए। ये है कि आपको आज के बारे में क्या कहेंगे 14 अगस्त में आज़ादी का दिन? जी देखें, आज तो हम ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से पूरी दुनिया में, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ आज का दिन ही हमें ये सब कुछ करना, ये रोज़ हमें एक ऐसे माइंड सेट के साथ चलना है कि हम इनोवेटिव हों, हम क्रिएटिव हों और हर फील्ड में आगे आएँ। इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया आपसे फिर बात होगी। थैंक यू। ये रज़ा मुस्तफ़ा साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ है? मैं ये जनाब अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में बहुत सारी तादाद हमारे पाकिस्तानियों की फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, दोस्तों के साथ आई हुई है और ये उम्मीद की जाती है कि आज का प्रोग्राम अच्छा रहेगा। बारिश अभी थम गई है तो अभी थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो आप हमारे प्रोग्राम के साथ साथ रहिए। थैंक यू सो मच। जश्न आज़ादी तमाम शुरका को भी और तमाम अहले पाकिस्तान को। ज़फ़र शेख साहब जो है सोशल एक्टिविटी है यहाँ पे और ये भी आज का